हेलो फ्रेंड्स, जीत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मिसिंग नंबर लुप्त संख्याएं करेंगे। तो देखिएगा, ये टॉपिक नया है थोड़ा सा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर लुप्त संख्याएं ज्ञात करो। तो यहां पर देखिएगा, 2 × 2 करेंगे तो 4, और 4 − 1 करेंगे तो यहां पर 3 हो जाएगा, और 3 × 2 − 1 करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 5 × 2 − 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 × 2 − 1 करेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 × 2 = 34 − 1 करेंगे तो 33 आंसर आ जाएगा, 33 × 2 − 1 करेंगे तो 65 हो जाएगा, और 65 × 2 करेंगे तो देखिए 130 − 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 129 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। दोस्तों क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लुप्त पद ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए, पहले इसको नंबरिंग दे देनी है। M13 पर, P16 पर, T20 पर, C3 पर, F6 पर और J10 पर, R18 पर, U21 पर। ठीक है, U21 पर। तो यहाँ ये मिसिंग नंबर हमको पता लगन। तो देखिएगा, 13 + 3 करेंगे तो 16 हो रहा है, 16 + 4 करेंगे तो 20 हो रहा है, 3 + 3 करेंगे तो 6 हो रहा है, 6 + 4 करेंगे तो 10 हो रहा है, 18 + 3 करेंगे तो 21 हो रहा है, 18 + 3 21 हो रहा है, और 21 + 4 करेंगे तो 25 पर यहां पर वाई हो जाएगा। तो वाई विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, लुप्त संख्या ज्ञात करो। 2 + 4 कितने हो रहे हैं, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 5 + 3 8 + 2 10 + 5 15, 1 + 9 10, 10 + 2 12, और 12 में कितना ऐड करें ताकि 15 उत्तर आ जाए, तो +3 करेंगे, यहाँ पर 3 करेंगे तो ये सबको ऐड करने पर 15 हो रहा है, इसका मतलब 3 यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लुप्त संख्या ज्ञात करो। जब 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 आ रहा है, और 4 × 3 कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। वैसे ही देखिएगा, 5 + 8 कर रहे हैं तो 13 आ रहा है, 5 × 8 करेंगे तब 40 आ रहा है। वैसे ही देखिएगा, 7 + 2 कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, और 7 × 2 करेंगे तो यहाँ पर 14, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी 14 विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लुप्त संख्या ज्ञात करो। यहां पर देखिएगा, 5 को 7 मतलब +2, 7 + 3 10 हो रहे हैं, +3 यहाँ पर, और यहाँ पर 10 + 4 14 हो रहे हैं। वैसे देखिए, 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 + 4 17 हो रहे हैं, तो 11 + 2 13, 13 + 3 16, और 16 + 4 20 हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों, 16। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करो। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें जब 4 को 20 से डिवाइड करते हैं, 4 के अंदर 20 के अंदर जब 4 का भाग देंगे तो देखिएगा, आंसर आ रहा है 5, और जब 5 को × 11 करेंगे तो 55 आ रहा है, जो कि यहाँ पर है, और 12 में 2 का भाग देंगे तब 6 आ रहा है, 6 को × 11 करेंगे तो यहाँ पर 66 आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा, 72 के अंदर 9 का भाग देंगे तब यहाँ पर 8 आएगा, और 8 को 11 से गुणा करने पर यहाँ पर 88 आंसर आएगा, तो यहाँ पर आना चाहिए 88। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों, 88। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, लुप्त संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, तो देखिएगा 8 × 7 कितने हो रहे हैं, 56 हो रहे हैं, तो ये 5 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, 5 × 30 हो रहे हैं, ये देखिएगा 4 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, 4 × 9 = 36, तो यहाँ पर 36 आना चाहिए।
ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों, 36। यहाँ पर मिसिंग नंबर की जगह क्या आएगा, 36 आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लुप्त संख्या याद करो, लुप्त संख्या याद करो, इसको जब छह का इसका मतलब है ऊपर घात है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है और ये क्यूब है, छह का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ रहा है, सात का क्यूब करेंगे तब 343 आ रहा है, जब आठ का क्यूब करेंगे तो 512 आना चाहिए। इस मिसिंग नंबर की जगह क्या हो जाएगा, 512 विल बी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लुप्त पद ज्ञात करो, तो देखिएगा जे कितने पर आ रहा है, 10 पर, ये 18 पर, लेकिन इसको ऐसे नहीं करना है। देखिए जे का उल्टा जोधपुरी क्यून, जे का उल्टा क्यू हो रहा है, इंडियन रेलवे, आर का उल्टा आई, ऑपोजिट लेटर लिखे हैं, और कुलदीप, के का उल्टा पी हो रहा है। ठीक है, और जब क्यू के अंदर प्लस वन करेंगे तो आर आएगा, आई के अंदर प्लस वन करेंगे तो जे आएगा, के 11 पर और प्लस वन करेंगे तो 12 पर, तो यहाँ पर एल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लुप्त संख्या याद करो, 7 और 3 कितने होते हैं, 10, 10 और 2 12 होते हैं, ये 12, और इसको ऐड करना, 5 और 6 कितने होते हैं, 11 और 1 12, वैसे यहाँ पर 4 और 4 कितने, 8, 8 और 4 कितने, 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लुप्त संख्या याद करो, 7 × 2 कितने होते हैं, 14, 14 - 4 कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, 5 × 3 कितने हो रहे हैं, 15, 15 - 2 कितने हो रहे हैं, 13, 8 × 9 कितने हो रहे हैं, 72 - 10 करेंगे तो 62, 36 - 6 करेंगे तब कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 30, 36 - 6 कितने हो जाएंगे, 30, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, पहले इसको और इसको गुणा करना है, फिर माइनस कर देना है ये इस एरो को। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या याद करो, देखिएगा यहाँ पर इसके सामने वाला ये 4 का क्या हो रहा है, 4 का क्यूब हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 7 का क्यूब हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 9 का क्यूब हो रहा है, तो यहाँ पर 3 का क्यूब होगा, इस तरफ 3 का क्यूब कितना हो रहा है, 27, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, 11 लिखा, 22 लिखा, इसको 6 लिखना है, तो देखिएगा 11 को जब 1 प्लस 1 और 22 को जब 2 प्लस 2 करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसको ऐसे लिखा है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस करोगे तो 6 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 + 3 + 1 + 4 कितने हो रहे हैं, 1 और 3 4 और 1 5 और 4 9 हो रहे हैं, और यहाँ पर भी 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 9 आ रहा है, तो यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, तो देखिएगा 1 + 0 + 2 + 0 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, 1 और 2 कितने हो रहे हैं, 3 हो रहा है, तो यहाँ पर 3, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए 3 विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लुप्त संख्या याद करो, इसको और इसको जब गुणा करते हैं तो देखिएगा 7 × 5 = 35, 35 × 2 करेंगे तो कितना होगा, 70, 70 के अंदर 10 का भाग देंगे तब कितना होगा, 7 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, 8 × 5 = 40, 40 × 4 कितने हो रहे हैं, 160 / 10 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर है 16, तो यही कॉन्सेप्ट, यही लॉजिक अब थर्ड के अंदर लगाना है, तो देखिएगा 36 × 18 = 90, तो 90 के अंदर 10 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों, 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, कि 6 यहाँ पर लिखा, 4 लिखा है, 2 लिखा है और 5 लिखा, इसको 32 लिख रहा है, तो एक बार देखिएगा
छह इंटू दो करेंगे तो कितना होगा, बारह, बारह और बारह प्लस पांच इंटू चार करेंगे तब कितना होगा, बीस, बारह प्लस बीस करते हैं तो कितने हो रहे हैं, 32 हो रहे हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अगर ये लॉजिक इसमें अप्लाई करते हैं तो देखिएगा, 8 इंटू 2 कितने हो रहे हैं, 16 हो रहे हैं, प्लस 7 इंटू 2 कितने हो रहे हैं, 14 हो रहे हैं, तो देखिएगा 16 प्लस 14 कितने हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिएगा ये लॉजिक और यही कॉन्सेप्ट अब थर्ड के अंदर अप्लाई करना है। तो देखिएगा 8 9 72 प्लस 4 2 8 72 प्लस 8 कितने हो रहे हैं, 80 हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों, 80। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, 7 3 और 1 को 28 लिख रहा है, 5 2 और 3 को 25 लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक लॉजिक लग रहा है, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 4, 4 इंटू 7 करेंगे तो 28 आ रहा है, वैसे ही 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 और 5 इंटू 5 25 आ रहा है, वैसे ही 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5, 13 5 65 आ रहा है, वैसे ही 1 प्लस 2 कितने हो रहे, 3 और 18 54 विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों, 54 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लुप्त संख्या ज्ञात करो। तो देखिएगा ये किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब हो रहा है 512, ये 5 का क्यूब हो रहा है और ये किसका क्यूब हो रहा है, 6 का क्यूब हो रहा है। वैसे ही अब देखिए ये 9 का स्क्वायर हो रहा है, ये 6 का स्क्वायर हो रहा है और ये 8 का स्क्वायर हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर 8 इंटू 9 कितने हो रहे हैं, 72 हो रहे हैं, 5 इंटू 6 कितने हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं, 6 इंटू 8 कितने हो रहे हैं, 8 5 48, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों, 48। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर की जगह पर क्या आएगा, 48 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, यहाँ पर 11 इंटू 5 कितने होते हैं, 55, 55 माइनस 4 कितने हो रहे हैं, 51 हो रहे हैं, वैसे यहाँ पर ये माइनस हो रहे हैं और ये इंटू हो रहे हैं, 8 और 64 माइनस 7 कितने हो रहे हैं, 57 हो रहे हैं, वैसे ही 10 इंटू 3 कितने हो रहे हैं, 30, 30 माइनस 10 कितने हो रहे हैं, 20, तो यहाँ पर 20 आएगा मिसिंग नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों, 20। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, नियमित ज्यामिति आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करो, तो इसमें भी मिसिंग नंबर बताना। तो ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है दोस्तों, सामने दिख रहा है कि 7 प्लस 6 कितने हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं, इसको जोड़ दिया और इसको भी जोड़ दिया, 11 प्लस 2 कितने हो रहे हैं, ये भी 13 हो रहा है, और यहाँ पर देखिए 10 प्लस 3 कितने हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं, वैसे ही 9 के अंदर कितने जोड़ेगी, 13 हो जाए, तो 4 9 प्लस 4 13, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों, 4। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करो, तो 18 माइनस 11 कितने होते हैं, 7 और 7 का वर्ग 49, देखिएगा 27 माइनस 23 कितने हो रहे हैं, 4 4 का वर्ग स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, वैसे ही 10 माइनस 2 कितने हो रहे हैं, 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों, 64। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, 2 3 को 13 लिख रहा है, 4 5 को 41 लिख रहा है, तो देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना, 4, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 4 प्लस 9 कितने हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं, वैसे देखिएगा 4 का स्क्वायर कितना, 16, 5 का स्क्वायर कितना, 25, 16 प्लस 25 कितने हो रहे हैं, 41 हो रहे हैं, तो ये लॉजिक सही लग रहा है। वैसे ही देखिएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 25 विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, लुप्त संख्या की जगह क्या आएगा, 25 आएगा, मिसिंग नंबर की जगह 25 पर आएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, मिसिंग नंबर ज्ञात करना, तो देखिए 3 प्लस 4 कितने हो रहे हैं, 7, 7 प्लस 2 9 हो रहे हैं, तो 9 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर 18 हो रहा है, वैसे इसको जोड़ना है, 6 प्लस 5 कितने, 11 प्लस 3 कितने हो रहे, 14, 14 इंटू 2 कितने हो रहे हैं, 28 हो रहे हैं, तो देखिए 7 प्लस 2 कितने हो रहे हैं,
9 और 1 10 10 इंटू 2 कितने हो रहे हैं 20 हो रहे हैं। वैसे देखिए 9 + 3 कितने हो रहे हैं 12 12 और 4 16 और 16 इंटू 2 कितने होंगे 32। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर की जगह पर क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, मिसिंग नंबर की जगह 32 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। यहाँ पर 32 आएगा, यहाँ पर देखिए 32 आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। ए 1 पर, एल 12 पर, टी 20 पर और बी 2 पर, ए 11 पर, डी 4 पर, ए 1 पर और एल 12 पर, एल 12 पर, बी 16 पर, यू 21 पर और एन 14 पर। ठीक है, तो देखिए 1 + 11 कितने हो रहे हैं 12 हो रहे हैं, मतलब इसको प्लस किया, और 12 + 4 कितने हो रहे हैं 16 हो रहे हैं, 16 पर पी हो रहा है, सही है। 20 + 1 कितने 21 पर यू हो रहा है, 2 + 12 कितने 14 पर एन हो रहा है। अब इसको उल्टा लिखा है, वो ट्रिक थी ना लव वाली, तो एल का उल्टा ओ, कुलदीप मतलब के का उल्टा पी, फन एफ, एफ का उल्टा यू, वैसे ही मन, यहाँ पर एम का उल्टा एन, तो यहाँ पर एम, यहाँ पर ओपोजिट लेटर लिखे हैं, यहाँ पर ओपोजिट लेटर लिखे हैं, एल का उल्टा ओ, पी का उल्टा के, यू का उल्टा एफ और एन का उल्टा एम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।